मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के मुरलीपुर गुलाब में रहने वाले एक परिवार का आरोप है कि उनका मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं ब्राह्मण परिवार को मुस्लिम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं परिवार ने परेशान होकर मकान बेच दिया था और उसके बाद भी उनको किया जा रहा है परेशान, जहां दूसरे गांव में भी परेशान करने की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग। वहीं पुलिस में शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। जो तस्वीरें सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से हिंदू संगठन में आक्रोश देखने को मिल रहा है और किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं के सम्मान में सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। सचिन जी, क्या मामला है? परसों सूचना आई थी मेरे पास, इन लोगों का फोन आया था, समाज के लोग जिनके साथ दिक्कत परेशानी गांव के अंदर हो रही है, मुरलीपुर गुलाब है आपका, इसके अंदर ये लोग रोटा रोड पे गांव पड़ता, थाना कंकरखेड़ा पड़ता है, इन लोगों के साथ गाय को लेकर मार पिटाई हुई है। गाय बाहर बंद रही थी, गाय को पत्थर मारे दर्मियों ने, जो आसपास रहते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं महिलाओं को, तो उन्होंने जब पत्थर मारे गाय को, ये लोग उन्होंने मना करा कि भाई गाय माता हमारी, इनके पत्थर मत मारो, क्यों मार रहे हो, तो वो लोगों ने इनसे गाली गलौज, बदतमीजी, घर में औरतों के कपड़े तक बदतमीजी, कैडी बहुत ज़्यादा करी, मैं कह भी नहीं पा रहा आप लोगों से। फोन इन्होंने मोबाइल पुलिस को फोन करने के लिए करा, फोन तोड़ रखा, फोन का चूरा कर दिया कि हम बुलवाएंगे पुलिस को, कैसे बुलाओगे, तो इतनी गुंडागर्दी विधर्मियों की, जिस तरीके आप देखिए दो परिवार वहाँ रह रहे हैं, आप ये देखिए इतने मुस्लिम समाज के बीच में, आप ये बताओ दो हिंदू परिवार, आप ये बताइए उत्पीड़न ये करेंगे उनका या वो करेंगे इनका, ये तो आप भी समझोगे। दूसरा विषय आप ये देखिए, पलायन के इन्होंने खुद अपने घर पे, जब पुलिस ने नहीं सुनिया, उन लोगों को बिठाया, उन लोगों दो लोग को उन्हें वहाँ से बुलाया, आधे घंटे के अंदर ही यहाँ कंकरखेड़ा थाने की पुलिस ने छोड़ दिया गया उन्हें। आप ये बताइए छोड़ा तो क्या इनका समझौता हो गया दो दिन में, भाई क्यों, किस उस आधार पे छोड़ा आप इन्हें, एक बार भी पुलिस इनके घर नहीं गई, पूछा नहीं इन्हें। सचिन एक बात बताओ, ये 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पर जी, लेकिन ये मामला फिलहाल 10-12 दिन से समझ में आ रहा है, तो क्यों 15-20 दिन हुए हैं इनका मकान बिके, एक मुस्लिम डीलर है वहाँ का, क्या नाम है उसका, कर्मुद्दीन, उसके माध्यम से इन्होंने कहा भाई हिंदू को देना चाहेंगे हम मकान, उसने इन्हें कागज वगैरह साइन वाइन करा के दिया, कागज तक इनके पास नहीं, कुछ 400 नहीं है हमारे पास कोई भी। आप ये अगर मकान मान लो, ये कह रहे हैं हिंदू परिवार को, हिंदू को देंगे अगर हम जहाँ से बेच पहले, तो बैंक के थ्रू लेन देन हुआ है, कैश हुआ नहीं, बैंक से हुआ, बैंक से भी हुआ, कैश भी हुआ, जो भी इनका लेन देन हुआ, पैसे भी दिए, दो तीन टुकड़ों जैसे भी दिए, विषय ये नहीं। धर्मांतरण की क्या बात आ रही है, धर्मांतरण की बात है, मकान इनका बिक गया है, उसके बावजूद भी इन पर दबाव किस चीज का है, पहले तो मकान बिकवा दिया इनका, पलायन करवा दिया इनका, अब जो है इनका धर्म परिवर्तन करवा के क्या साबित करना चाह रहे हैं, कि या तो जो दो लोग परिवार है, या तो यहाँ जो बेच के चले जाएं, या धर्म धर्म अगर गांव में रहेंगे, धर्म भी तो एक मकान है जी, आप ये आप चलो वो भी छोड़ो, ये बताओ पलायन का इन्होंने अपने घर में पोस्टर लगाया, अधिकार है अपने घर में पोस्टर लगवाने का, अपने घर में कर रहे हैं, किसी घर में नहीं कर रहे, उसके बावजूद कैसे हिम्मत हुई कमरुद्दीन के इनके पोस्टर फाड़ के गया हो, पुलिस कैसे होगी थी, इनके लड़के को जो आज तमंचे वाली जो बात आई है इमरान का है, वो 3 महीने पहले का मामला है, 3 महीने से 2 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है उसे, पुलिस रात गई है जी हमारे घर, 2 महीने पहले से ही इन्हें जो है दबाव, 1-1.5 महीने पहले से ही उस लड़के को उसका फोटो उसके हाथ में तमंचा देके खींच रखा, साथ में उठ बैठती इमरान इनके भतीजे की, यार ये जी मेरा पोता, मतलब ये माना जाए कि दो लोगों के बच्चों का आपसी विवाद अब जो इस तरीके का तुल ले गया, हाँ ये भी कह सकते हैं आप, और दूसरा फिलहाल झगड़ा जो है वो गाय पे हुआ बार बार, नहीं जब इमरान के साथ पहले दोस्ती थी, हाँ, पहले, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ खाता हुआ, 2 महीने से उसके जो तमंचा है उसने उसकी फोटो खींच के अपने पास रख रखी थी, इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा था कि अगर तुम जाओगे तो हम ये चीज थाने में दे देंगे, तुम्हें उल्टा जो है थाने में जो फोटो थी है, जो पुरानी फोटो है, ये 2 महीने पुरानी फोटो है, जांच करा ली, 2 महीने पहले है जी जांच करा ली, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। हमारी ये मांग है, पहले तो अब आज जहाँ से जब जाएंगे, जब इस परिवार का समाधान होगा, इस परिवार को सुरक्षा मिलेगी, अगर इस परिवार के घर पे 2 दिन से लगातार विधर्मी हमला कर रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं, पुलिस सो रही है, कप्तान साहब इतने बढ़िया आए हुए ईमानदार आदमी है, उसके बावजूद ये पुलिस क्या भ्रष्टाचार का लंघन, अगर कोई मर गया तो जी कौन जिम्मेदार है, सुभाष, सुभाष तो नहीं थे हमारे, तो वह कुछ नहीं है, पर उन वैसे ही रहे हैं अलग से आपके, हाँ जी रिश्तेदारी में, हाँ जी, पर उनका कोई परिवार नहीं है जी, अच्छा, हाँ जी वो अकेले रहते हैं, वो अकेले रहते, हाँ जी हमारे बहू भी है बेटी भी है, उनका कोई है नहीं, तो इतने बुड्ढे मतलब आपके परिवार के ही रिश्तेदारी में ही हो, नहीं रिश्तेदारी कुछ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है जी उनसे हमारी, वो भी आपके साथ है, नहीं जी वो हमसे अलग है,
वो खाते पीते हैं सब, हम कोर खाते पीते नहीं है जी कुछ भी। हम सिर्फ गाय की पूजा में आरती तलक नहीं बजाने देते जी। बताओ उनकी अजान होगी और हमारी आरती नहीं होगी तो कितनी हमारी जिंदगी खराब है ये बताओ। हम परेशान है बच्चों को लेकर। मामला बच्चे का है, आपका क्या है? बच्चे का किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ? बच्चे का दिया वह गैली रह गए जी, गैली रह गए वह तो दोनों, इमरान और जी अमीरू शकील डॉक्टर, ये सब गैल रह गए। जब हम हैं तो गैल रहते। 3 महीने बाद उन्होंने तमंचा दिया बच्चे को, 15 साल का बच्चा पढ़ाई करता है, और उसका फोटो ले लिया। उसी दबाव में उसे फोटो दिखा दिखा कर यहाँ चल वहाँ चल ये कर वो कर। रात उन्होंने हमारी उनकी होगी तो पुलिस में दे दिया फोटो। पुलिस जब क्यों नहीं गई, जब हम पिट रहे गाय पिट रही है, हमारे पोते थाने पुलिस कहते पोते गाय तो उन लोगों ने भी पाली हुई है अपने घर में। नहीं उनके हमारी गाय कहाँ है जी और उनके कहाँ गाय, हमारी गली में तो कोई गाय नहीं। उनकी भी चोरी हुई थी लेकिन मिल गई उनकी गाय। किसी के घर में भी गाय हो जी, पड़ोस वालों के घर में आपके गाय हैं, उन लोगों ने भी गाय पाल रखी है। पर मेरी गाय से मतलब है ना मुझे तो जी, वे मुसलमान थोड़ी मान लेंगे जी, हम आरती कर लेंगे मुसलमान कर लेगा। बताओ जी आरती है, आज शनिचर है जी, आज के दिन हम माँ काली की 5 भजन गा नहीं सकते, क्यूआड़ मार के गाते हैं और फिर भी लट्ठू डंडे लेकर आ जाओ अगर बात चलेगी तो। ब्यूरो रिपोर्ट मेरठ।